हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है खासकर नींबू के ऊपर है। बहुत ऐसे सब्सक्राइबर थे जो हमारे कागजी नींबू के बारे में पूछना चाह रहे थे। कागजी नींबू पर सर अब क्या डालें, उसमें फ्लावरिंग ही नहीं आता है। तो इस तरह की सारी चीज़, मेरा माल्टा का प्लांट से लगभग साल भर हो गए और ये हमारी वेराइटी है। लगभग ये चौथे पाँचवीं बार जो है नींबू जो है इतनी अच्छी ब्लूमिंग किया हुआ है, ठीक है। और एक चाइनीज़ नींबू भी आती है जिसका वीडियो हम पिछले साल दिए हुए। ये वाला फ्रेंड्स हमारा जो नींबू है वो चाइनीज़ नींबू है। छोटे छोटे नींबू होते हैं, बहुत रस आते हैं। ये भी पूरा फ्लावरिंग से ये देखिए भरा हुआ है। चलिए ठीक है, कुछ खास बातों पे हम ध्यान देंगे और डिटेल में हम बताएंगे कि इसमें हम ज़्यादा अगर नींबू लेना है तो हम कौन सी फीडिंग करें। एक्चुअली है क्या, नींबू के बारे में जो बेसिक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नींबू के सारे प्लांट्स हम दिखा दें, जब हमारे नींबू में फूल लगे उसके बाद हम वीडियो दे दें और सारी चीज़ें जो है हम किसी को बेवकूफ़ बनाए। इस तरह से पीके गार्डन चीज़ नहीं करता है। नींबू के पाँच छः बातों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है और ये ध्यान कैसे देना है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले नींबू की जो प्लांट्स होती है वो मैच्योर प्लांट होनी चाहिए, ठीक। और नींबू जो है ग्राफ्टिंग वाली होनी चाहिए, नर्सरी से जाइए, उसकी वेराइटीज़ के बारे में आप पता कीजिए कि छोटे ही पॉट में नींबूज़ आपके आने लगे, ठीक है। मैच्योर मदर प्लांट जो उसके होते हैं वो जो है मैच्योर हो, तभी जा करके आपका इतने कम समय में नींबू आप लगा सकते हैं। मदर प्लांट की जो ग्राफ्टिंग होती है वो एक मैच्योर हो गया रहता है और उस डाली को काट करके, जैसे कि हमारा ये कलम यहाँ पे मैंने बांधा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये हमने कलम बांधा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा पौधा जो है वो 3 साल पुराना पौधा है, ठीक है। 3 साढ़े 3 हो सकता है कि हुआ होगा। मदर प्लांट्स की बात में हम कर दिए, वेराइटी की बात कर दे। अब जो लोगों के जो मन में एक शंका है कि सर हमारे फ्लावर नहीं आते हैं, आप क्या डालते हैं, बाकी और लोग बोलते हैं कि आप क्या डालते हैं सर मेरे ये नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वेराइटी एक मेन रीजन्स होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, आपकी जो रीज़न होता है वो 3 साल प्लस का पौधा होना चाहिए। और बहुत लोग बोलेंगे कि सर हमारा तो 2 साल में ही आ जाता है, ऐसा नहीं है, वेराइटीज़ के ऊपर होती हैं। असली अगर नींबू का आपका पौधा है तो आपको कम से कम 3 साल वेट करना ही करना होगा। 3 प्लस मानिए, 2.5 प्लस मानिए, कोई कोई 2.5 में आ जाता है। इसकी स्टेम की आप मोटाई देख करके आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आते हैं केयरिंग के ऊपर बात। नींबू के प्लांट्स में पानी बहुत कम चाहिए होता है, ठीक। प्रॉपर जो सोयल हम बनाएंगे उसमें वर्मी कंपोस्ट का मात्रा कम होना चाहिए। दूसरी चीज़, वर्मी कंपोस्ट, राइस खस और ये कोकोपीट, ये नींबू को पसंद नहीं है। नींबू के लिए फुल्ली डीकम्पोज हल्की वाली सोयल, एयर वाली सोयल, जो सॉइल मिक्सचर हमने बनाया था खासकर पीके गार्डन के जो चैनल पे था हमारा, उसी रेसिव में हमने दिया था। पिछला वाला इसका वीडियो दिया था मैंने, काला प्लोथिन में इसके बारे में लगाया था और उसकी फीडिंग बताई थी। हर साल फीडिंग हम बताते हैं। बरसात के मौसम में प्लांट्स की जो लीफ है वो बहुत लाइट वेट हो जाती है और नई नई कोपल जो है ये फूटता है और ये माल्टा का पौधा है हमारा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेडिसिन के ऊपर, इसको कौन सी मेडिसिन चाहिए। इसमें थ्रिप्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, ठीक। अगर ऑर्गेनिक वे पे आपको करना है तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको नीम ऑयल से रिज़ल्ट नहीं मिलता है वो इकतारा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसमें स्केल की भी बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिलता है आपको। जो है ओसिन एक दवा आती है, उससे थ्रिप्स और उन्हों ख़त्म होता है। ये दोनों दवा जो है एफिड जेफिड हर चीज़ पे काम करता है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पब्लिक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रूनिंग के ऊपर। हमें काली काली जो सूखी सूखी डाल है उसको हमको प्रून करते रहना है, काटते रहना है, ठीक है। जिस प्लांट्स में नींबू आपके आ चुके हैं उस टहनिया को हमको थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग यहाँ से कर देना है, ताकि यहाँ से एक नई अपना जो नींबू है वो हम लोगों को अच्छा अच्छा दे सके। क्वालिटी इस नींबू में बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी साइज़ है, अभी बरसात के मौसम में छोटी है। और ये लगभग हमारा नींबू जो है एक परिवार के लिए बहुत है। हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, गिर भी जाता है, सूख भी जाता है। हम इतना ये नींबू हमको दिया था पिछली बार में, लगभग 25-30 नींबू हमारे इसमें आए थे। बहुत अच्छा पौधा है इसका। ऑनलाइन हमने पौधा मंगाया था, जब शुरू शुरू में हम करते थे, जब मेरा चैनल नहीं था तो ये सारी पौधे हमने मंगाया था। बहुत अच्छी वेराइटी है, फूल बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक। हम आगे जो बात करने जा रहे हैं, हम फीडिंग की बात करने जा रहे हैं।
हम फीडिंग कौन कौन सा इसमें डालें ताकि नींबू का प्लांट जो है, जो नींबू का प्लांट है हमारा, अच्छे अच्छे फ्लावरिंग करे। हम कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करेंगे हम। दूसरी बात, हम सबसे पहले फूल लोगों के बहुत झड़ता है, दो ही समस्या है, फूल झड़ना और फूल ना आना। उसके लिए हमको कुछ ट्रिप्स आपको हम देंगे जो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कुछ हम फीडिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला करके ही हम पौधे को पूर्ति पूरा कर सकते हैं। हमने एक थाली सजाया हुआ है जिसका हमने क्या क्या डाला है थोड़ी सी आइए उस दिशा पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नींबू के जो पसंद है, जो मिट्टी में जो अपना कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा हम काम करते हैं। ये नीम खली है जो नाइट्रोजन और प्लस इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जो है ऑर्गेनिक वे पे मिलता है, और ये जो है बहुत अच्छा नींबू को काम करता है। नींबू के मिट्टी में जो जड़ है बहुत ज़्यादा उसमें कीड़े और डिजीज़ लगते हैं और फंगस भी लगते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देता है। दूसरा, ये हॉर्न मिल है, ये जानवरों को जो सिंग होता है इसको सिंग छीला बोलते हैं, ये चीज़ है। और ये लीफ कंपोस्ट है, ये मोहंती जी के पास से हमने लाया था, प्योर लीफ कंपोस्ट है, फुल्ली डिकम्पोज किया हुआ लीफ कंपोस्ट है। और बात हम करते हैं इसकी, तो ये जो है ये अपना फॉस्फोरस की कैल्शियम की पूर्ति करता है। ये स्टीम बोन डस्ट है, जो जानवरों का हड्डी होता है उसी की स्टीम करके, उसकी पीस करके उसकी जो हड्डी होती है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस पूरा आता है। स्टीम है, इससे नुकसान नहीं होता। ये है यारामीला कॉम्प्लेक्स का जो हमारी वीडियो थी, हमने यारामीला इसमें ऐड किया है, ठीक। ये सुंगल सुपर फॉस्फेट है और ये लाल वाली पोटास है। ये लाल वाली पोटास जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग की तरफ ले जाता। हम 0050 इसमें हमने नहीं ऐड किया, इसको स्किप किया हूँ। और ये जो है माइक्रोराइजा है, सीवीड है और प्लस बहुत सारे बैक्टीरिया और एंजाइम इसमें पड़ा हुआ है, और ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है। कुछ हम दिशा पे आपको बात करते हैं, बहुत कुछ ज्ञानी लोग जो हैं वो थोड़ा सा बोलेंगे कि हम ऑर्गेनिक करेंगे तो सर आप ये केमिकल क्यों डलवा रहे हैं, ठीक है। उसका विकल्प हम बता दें, सबका एक अपना अपना तजुर्बा होता है। दूसरी बात, ये आवाज़ उठाई जाएगी कि SSP के साथ आप ये माइक्रोराइजा क्यों डाल रहे हैं, के साथ SSP का कम्युनिकेशन गलत होता है, ठीक। इसमें माइक्रोराइजा के बैक्टीरिया जो है वो मर सकता है, फंगस इसमें मर सकता है, जो भी है, लेकिन सीवीड जो होती है बहुत इसमें पोषक तत्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिव रहता है, इसलिए हम मिलाकर डालते हैं, ठीक। अब जहाँ सवाल कि सर कुछ लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिक आप जो है वो करते हैं तो इतने ये केमिकल क्यों डाल रहे हैं, तो देखिए मिट्टी में खासकर पॉट कल्चर अगर आप करते हैं तो आज के ज़माना में कोई ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक आपके पास 4-5 चीज़ हमने दिया, ये चीज़ आपको किसी लोगों को नहीं दिखेगा, बाकी लोगों को दिखेगा। हमने इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति किया, प्योर ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, और अपना स्टीम बोन्ड ऑर्गेनिक है, और ये भी ऑर्गेनिक है। मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ ऑर्गेनिक रखा, सिर्फ 2 चीज़ हमने केमिकल यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि फ्लावरिंग के समय में सबसे ज़्यादा पोटास की ज़रूरत होती है। पोटास की अगर ऑर्गेनिक दे करके आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। लाल वाली जो पोटास है कहीं पे मिलता नहीं है। लाल वाली पोटास हैज़ ए हाईली ब्लूमिंग करने के लिए, और फूल जो होता है नींबू में बहुत झड़ता है, और यही कारण है कि लाल वाली पोटास और यारामीला कॉम्प्लेक्स को हमने पर्सनली ऐड किया। सबसे ज़्यादा हमने नाइट्रोजन को ऐड किया, लीफ कंपोस्ट, सिंक छिला और ये करके, और अपना कैल्शियम जो है, कैल्शियम नींबू को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, फ्लावरिंग जब वो फट जाता है ये बहुत सारी टेढ़ा मेढ़ा दिक्कत होता है, इसलिए हमने 2 जगह हमने कैल्शियम ऐड किया और इसको भी हमने कैल्शियम ऐड किया, बाकी इसमें भी कैल्शियम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये केमिकल के बारे में जो थोड़ी बहुत जो भी मुझे नॉलेज था हमने बताया। अब इसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है उस दिशा में हम थोड़ी सी आपको बात करते हैं। सारे को हम मिला देंगे और हमारे तीनों प्लांट है, और इसके ग्राम जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमने लगभग 1/2 मुट्ठी लिया है, ये थोड़ा सा मैंने लिया 1 चम्मच के आसपास लिया है, ये मैं 2 चम्मच 1 मुट्ठी ये भी लिया हूँ, और 2 चम्मच ये लिया है, और बाकी सब जो है हम 1-1.5 चम्मच हमने लिया है, ठीक। ये सारे को मिक्स करके हम लगभग, ये पॉट थोड़ी सी हमने बड़ा किया था, वो काला वाला जो पिछला प्लांट था वो रिपोर्ट करके, और ये सारी जो चीज़ें हैं हमने किया हुआ है। माल्टा में पहली बार फीडिंग करेंगे और इसमें भी हमारी ये फीडिंग पहली बार जा रही है। बड़ी चीज़ है फ्लावरिंग ड्रॉप होने का,
तो आपको क्लियर कर दें, ये सारी चीज़ हम देंगे। और ये कब कब इस्तेमाल करना है, तो मात्र इसको महीना में आप दो बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार करें तो बेहतर। ये लगभग धीरे 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 डिकम्पोज होगा और लगभग आपका 15 दिन बाद ये असर आपका दिखाना चालू होगा। लाल वाली पोटाश थोड़ी सी ज़्यादा असर दिखाता है, और अपना यारा मिला भी जो 2 से 3 दिन के अंदर वर्किंग करने लगता है, और ये भी वर्किंग करने लगता है, और ये सब सारी चीज़ लीफ कंपोस्ट भी जो है, और ये सारी चीज़ का वर्किंग का जो टाइम है लगभग 15 दिन लगते हैं कम से कम सॉइल मीडिया में खासकर। और आप बोलेंगे कि बर्मी कंपोस्ट क्यों नहीं डालें, गोबर की खाद क्यों नहीं डालें, तो नींबू को गीला गीला वाली फीडिंग जो है बहुत कम चाहिए होता है। पानी बहुत संभाल कर नहीं रखेंगे, खासकर जब फ्लावरिंग की तरफ नींबू बढ़े, चाहे आपकी कोई भी ऑर्गेनिक सब्जी फूल बढ़े, तो उस समय पानी को एकदम कम कर देना होता है, ताकि अपनी पूरी फोकस जो है वो फ्लावरिंग पे अपना लगाए, फ्लावरिंग ड्रॉप ना करे। ठीक है, अब रहा सवाल कि फ्लावरिंग के लिए हमको क्या करना होगा, तो फ्लावरिंग के लिए हमको प्लानोफिक्स का इस्तेमाल करना होगा। महीना में एक बार रूट में देना होगा आपको, और महीने में एक बार 5 लीटर पानी के साथ आपको फोलियर स्प्रे करना होगा, खासकर फ्लावरिंग आने से थोड़ी से पहले और फ्लावरिंग के दौरान, ताकि आपकी फूल जो है वो आपको ड्रॉप होने से रोके। दूसरा चीज़, अगर फ्लावरिंग आपके प्लांट्स में नहीं आ रहे हैं, तो गोदरेज का जो अपना डबल करके एक हार्मोन्स आता है, वो हार्मोन्स को आप इस्तेमाल करके हाईली फ्लावरिंग ले सकते हैं। और तीसरी हार्मोन जो है वो नाइट्रोबेंजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 1 लीटर पानी में 2 ml के समय में, शाम के समय में उसको अच्छे से मास्क पहन के हेलमेट लगा के स्प्रे कर दीजिएगा, हार्डली दवा है थोड़ा, उससे भी आपका फ्लावरिंग बहुत तेज गति से ब्लूमिंग करेगा। लेकिन तभी ये सब करना होता है जब एक फ्लावर आपको दिखना उसमें चालू हो किसी तरह से। जब कोई भी PGR ऐसा नहीं कि फ्लावरिंग नहीं आया तो हम तुरंत लगा दें, कोई हार्मोन्स ऐसा नहीं है। एक उसकी जो सिम्टम है, जो उसकी हार्मोन है, फ्लोरोजिन हार्मोन्स जब एक्टिव हो जाता है प्लांट्स में, तभी हमको देना चाहिए फ्लावरिंग वाली कोई भी PGR। और अगर आप नॉर्मल वे में अगर आप करना चाहते हैं थोड़ी सी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बायोब्यूटा एक्स का इस्तेमाल आप रूट जोन में 2 ml पर लीटर के हिसाब से महीने में एक बार आप कर सकते हैं। और फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको करना है, इसमें पाउडरी मिल्डू बहुत ज़्यादा जो है इसमें अटैक करता है नींबू के पौधे में, खासकर ये पाउडरी मिल्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ICL का 49-32 के साथ M45 हो गया, बबिस्टीन हो गया, ये मिला के भी आप जो है फ्लोरिंग अगर आप NPK की तरफ जाते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मिस्टर टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये काम करता है। ये सारी फीडिंग को हम मिलाएंगे, उसके बाद हम नींबू में देंगे, तो आइए उसको भी करके हम दिखा दें। ये हम मिक्स कर लिए। एक चीज़ और है, नीम खली जो है मेरे पास चिप्स के तौर पे था, ठीक है, आप इसको पीस लेंगे, सिंगल सुपर फोस्ट अगर खाड़ा भी मिलता है, हमने पीसा हुआ था ग्लेंडर मशीन में, मिक्सी में, तो आप पीस सकते हैं। ये सारे मिक्सर को मिला करके डब्बे में पीस करके भी जो है आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली जो फीडिंग है, खासकर जो गुलाब करते हैं वो भी डाल सकते हैं, जो हेबिकस कर सकते हैं वो भी डाल सकते हैं, और नींबू में डाल सकते हैं, अगर कुछ आप खाने वर्गीय चीज़ लगाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अमरूद, गुआवा, जो भी चीज़ है, इसमें बहुत बड़ा एक ब्लास्टिंग जो है आपको ब्लूमिंग जो है देखने को मिलेगा। और जो बहुत लोग कहेंगे कि सर आप तो केमिकल भी डाल रहे हैं, तो जिसको केमिकल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो वो आज के ज़माने में कोई सब लोग केमिकल ही खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अंगूर हो, अंगूर में 100% जिब्रेलिक एसिड लोग खाते हैं, और सेब में 100% लोग जिब्रेलिक एसिड खाते हैं, तभी इतने बड़े बड़े जो है साइज मिलते हैं। हाँ, एक बात और है कि नींबू की अगर साइज़ आपको फ्लावरिंग दिखे, अगर थोड़ी सी बड़ी करनी है, खासकर आपको इस अवस्था में जो है नींबू अगर आपका लगा हो, ठीक है, तो इसमें जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके, PGR जो जिब्रेलिक एसिड वाला आता है, वो इस्तेमाल करके हम जो है फ्लावर को थोड़ी सी और बूस्ट अप दे सकते हैं। ये इतना फ्लावर जो है हम ऊपर ऊपर इसको छिड़क दिए हैं, और धीरे धीरे पानी इसमें देंगे, और नीचे धीरे धीरे स्लो रीजन में ये डिकम्पोज होता जाए। हमारा माल्टा का पौधा है, इसमें भी जो है हम यही फीडिंग को ऊपर ऊपर हम देंगे। ये फर्स्ट टाइम फीडिंग कर रहे हैं, ये फीडिंग हमने बहुत बार ट्राई किया है। बहुत लोग परेशान थे कि सर आप नींबू पे भी बनाइए, केवल गुलाब पे ही वीडियो देखते हैं, हम लोग कहाँ जाएं, तो उनके लिए था ये सरप्राइज़ था। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी फीडिंग जो है हमने कर दिया, ठीक है, जो शेड्यूल हमने बताया है उसी शेड्यूल पर आप फॉलो कीजिएगा,
ठीक है। कोई भी ज़रूरत चीज़ है आप कमेंट कर सकते हैं, हमने डोजेस भी बता दिया, कब कब करना वो भी बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय फ्रेंड्स।